अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किंग बट्स केयर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, मैं हूं अशफाक अहमद। अच्छा जी, बहुत से लोग जो है वो सवाल पूछ रहे हैं कि मिक्स सीट के अंदर हम क्या चेंज करें, यानी कि इतना टाइम हो गया है अभी तक उन्होंने मिक्स सीट के अंदर चेंजिंग नहीं करी है। बहुत से मसूफियात होती हैं जिसकी वजह से कुछ लोग जो है वो रह जाते हैं। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें बेसिक आपने क्या क्या चीज़ें मिक्स सीट के अंदर चेंज करनी हैं, चाहे वो लबड़ की मिक्स सीट हो, कॉकटेल की मिक्स सीट हो, बजीज की मिक्स सीट हो, फिचर की मिक्स सीट हो, और इसके अलावा जावा की मिक्स सीट हो या फिर आपकी डफ की मिक्स सीट हो। तो मल्टीपल बर्ड्स के हवाले से जो है वो हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या आपने मिक्स सीट के अंदर चेंज करना है, क्या क्या आपने सॉफ्टवुड के अंदर चेंज करना है, और दूसरी और क्या एहतियाती तदाबीर आपने करनी है। ऑल्दो भी गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद नहीं पड़ी है, जब शदीद गर्मी पड़ेंगी तो उसके हवाले से जो है मैं उस वक्त टिप दूंगा। अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है इस हवाले से आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इसमें से कुछ चीज़ें रह गई हैं तो फिर आप वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, वीडियो को आपने पूरा देखना है, मल्टीपल बर्ड्स के हवाले से बात होगी, और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए, तो दोस्तों बात स्टार्ट करते हैं लबर्ड से। लबर्ड की मिक्स सीट के बारे में बात करेंगे। सॉफ्टवुड की बात करें तो आप मल्टीपल सॉफ्टवुड दे सकते हैं। वेजिटेबल्स का इस्तेमाल आप ज़्यादा कर सकते हैं, जिसके अंदर खीरा, गाजर, इसके अलावा आप इनको लौकी दे सकते हैं, बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ आप चावल भी बॉईल करके दे सकते हैं, और अनाज में ख़ासतौर पे गंदम जो है वो अब आपने भिगा के देनी है, बॉईल करके नहीं देनी, उसकी तासीर क्योंकि चेंज हो जाती है। बाकी अनाज जैसा आप देना चाहें वैसे दे सकते हैं। अच्छा, मोरिंगा पाउडर का भी इस्तेमाल अब आपने कम कर देना है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है मोरिंगा का इस्तेमाल आपने कम कर देना है सॉफ्ट फूड में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इनकी मिक्स सीट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से सुप्रीम क्वालिटी की मिक्स सीट यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। इस मिक्स सीट के अंदर जो है वो देखें आपके जो सनफ्लावर है उसकी मिकदार कम है, भंगदानी की मिकदार कम है। तो ये चीज़ें जो है, जो जो चीज़ें गर्म हैं उन चीज़ों की मिकदार आपने कम कर देनी है। अब ये देखें आप माशाल्लाह से, और आप अपना दाना खुद बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। देखें इसके अंदर किसी भी किस्म का जो है वो मिट्टी कचरा वगैरह आपको नहीं दिखेगा। अक्सर मसला आता है कि बर्ड जो है वो मिक्सर बहुत ज़्यादा ज़ाया कर रहे हैं। वजह यही होती है कि या तो फिर बाजरा बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर, या तो फिर मकई जो है वो बहुत ज़्यादा डाली जाती है कॉस्ट को कवर करने के लिए। तो बेहतर ये है कि आप मिक्सर अपनी ले सकते हैं, और अगर आप बनी बनाई मिक्सर इस तरह की क्वालिटी वाइज मिक्सर लेना चाह रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जो मैंने मिक्स सीट दिखाई, ये वैसे तो मैं अपने मल्टीपल बर्ड्स को चलाता हूँ यही मिक्स सीट, यानी कि ये बजीज भी यही मिक्स सीट खा रहे होते हैं, कॉकटेल भी यही मिक्स सीट खा रहे होते हैं, और लवबर्ड भी यही मिक्स सीट खाते हैं। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अक्सर लोग जो है वो अभी कॉकटेल की तरफ मूव कर रहे हैं, कॉकटेल लगा रहे हैं, तो कॉकटेल जब आपका ब्रीडिंग कर रहा हो यानी कि बच्चे हैच होने वाले हों, तब आपने अपने इसकी मिक्स सीड में से जितने भी मोटे दाने हैं वो निकाल देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बारीक कंगनी, मोटी कंगनी और बाजरा ये मिला के जो है वो एक तरह का दाना बना लेना है, वही इनको देना है जब तक बच्चे जो है वो थोड़े से बड़े ना हो जाएं। थोड़े से बड़े से मुराद ये है कि उनकी आंखें खुल जाएं, तो उसके बाद जो है वो आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मिक्स सीट चेंज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं डफ की, क्योंकि डफ का आजकल बड़ा ही क्रेज़ चल रहा है, चाहे वो म्यूटेशन हो या वाइट टेल वाइट रम डफ हो या रेड डफ हो, कोई सी भी डफ हो। मिक्स सीट के हवाले से जो है वो बहुत से लोग इसके अंदर बाज़ार से बनी बनाई मिक्स सीट ले लेते हैं। अच्छा, बहुत से लोग जो जावा वाली मिक्स सीट है जो बाज़ार में मिलती है वही डफ को भी चला रहे होते हैं, और कुछ लोग जो है वो सिर्फ बाजरा ही चला रहे हैं या फिर सिर्फ कंगनी चला रहे हैं। देखें इसका अलग से एक अच्छा रेशो है, वो भी आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सुप्रीम क्वालिटी के आपको मिक्स सीट यहाँ पर नज़र आ रही है माशाल्लाह से, और इसके अंदर जो है वो बाकी चीज़ें भी मिलती हैं। जब सर्दियों की मिक्स सीट बनती है, अब ये गर्मियों की मिक्स सीट है, तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो है वो कम की गई हैं, जिसके अंदर कनेरी की मिकदार कम कर दी गई है, अभी भी मौजूद है मगर थोड़ी सी कनेरी की मिकदार कम कर दी गई है, भंगदाने की मिकदार कम कर दी गई है। अच्छा, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, बारीक बाजरा, ये सारी चीज़ों से मिलकर जो है ये मिक्स सीट बनती है, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि किसी भी किस्म का आपको डस्ट वगैरह या कचरा नज़र नहीं आएगा। ऑल्दो अगर आपकी मिक्स सीट परचेज़ करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया इसमें से कोई भी मिक्स सीट, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात कर सकते हैं।
अच्छा जी, अब बात करते हैं इनके सॉफ्ट फूड की। तो देखें, मैंने अपने बर्ड्स को माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन किया है, वो तमाम सॉफ्ट फूड के ऊपर ट्रेन हो चुके हैं। एग फूड के साथ साथ वो उबला हुआ चना क्रश किया हुआ, उबली हुई लोबिया क्रश की हुई, इसके अलावा यहाँ तक के गंदम भी जो है वो क्रश किया हुआ खाते हैं उबला हुआ। तो इस हिसाब से आप भी जो है वो अपने बर्ड्स को ट्रेन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपके बर्ड ट्रेन नहीं है, पॉइंट ऑफ ट्रेन नहीं है, तो फिर आप एग फूड से स्टार्ट करें, इनको ऑफर दें। अच्छा, जिन लोगों के पास एग फूड बर्ड खा रहे हैं, तो सर्दियों के अंदर हम अल्टरनेट डे में एग फूड दे रहे थे, अब आपने वीक में एक से दो दफ़ा ही इनको एग फूड ऑफर करना है। अब ज़्यादा एग फूड आपने इनको नहीं देना, ख़ास तौर पर जिनके बच्चे छोटे हों उनको आप एग फूड दे सकते हैं अल्टरनेट डे कुछ ही दिन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, मुझे लग रहा है कि ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से ये दोनों हैचिंग हो चुकी है। और अभी देखें, अभी पिछले कलच का पट्टा जो है वो पूरी तरीके से सेल्फ नहीं हुआ है, और यहाँ पर देखें हैचिंग हो चुकी है। कुछ आपके बर्ड जो है वो ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, माशाल्लाह से सुप्रीम क्वालिटी बर्ड है और परफॉर्मेंस भी आउट क्लास है आपके सामने है। मिक्सीड भी जो है वो बिल्कुल लाइट चल रही है, फिर भी जो है ये अपने हिसाब से परफॉर्मेंस देते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी लूसन के हवाले से मैं बात करूँ, तो लूसन जो है वो आपने अपने बर्ड्स को वीक में एक दफ़ा तो कम से कम लाजमी दें। इनकी विटामिन वगैरह जो है वो इनको काफ़ी ज़रूरत होती है, जो कि ये लूसन से हासिल कर सकते हैं। कैल्शियम के लिए आप कटल फिश बोन जो है वो दे सकते हैं, वो एक बेहतरीन सोर्स है। अच्छा, मेरे पास जो है वो अगर आप गौर से देखें, मैं भी फोकस नहीं कर पाया, मगर डव के अंदर भी जो है वो कैल्शियम ब्लॉक लगे हुए हैं, और ये कैल्शियम ब्लॉक आधे आधे खाए हुए भी हैं इन्होंने माशाल्लाह से। बर्ड को जिस तरह आप ट्रेन करेंगे वो उसी तरह ट्रेन होगा। अच्छा, इसके अलावा पाइट डफ के कुछ पट्टे जो है वो अवेलेबल हैं। अगर आपकी लोकेशन कराची की है तो फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। मैं अपना नंबर भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जावा स्पैरो की। जावा के मिक्सीड की बात करें तो आपको अमूमन जगहों के ऊपर तो जावा की मिक्सीड बनी बनाई मिल जाएगी, फिर भी कुछ जगहों के ऊपर आपको इनकी मिक्सीड तैयार नहीं मिलती। अब माशाल्लाह से जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सुप्रीम क्वालिटी की मिक्सीड है, नीट एंड क्लीन, और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो है वो शामिल की जाती हैं। इनकी मिक्सीड के अंदर तकरीबन 8-9 आइटम जो है वो डाले जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी आपने अगर आप मिक्सीड अपने खुद बना रहे हैं तो सिंपल फार्मूला आपने फॉलो करना है कि जितनी चीज़ों की तासीर गर्म है वो आपने थोड़ी थोड़ी कम कर देनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं माशाल्लाह से क्वालिटी देख सकते हैं आप, नीट एंड क्लीन। अच्छा, मिक्सीड के अलावा आपने एक चीज़ का और ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आप किसी भी बर्ड की मिक्सीड चेंज कर रहे हैं तो आपने ग्रेजुअली चेंज करनी है, जैसा मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। आपने कुछ कुछ मकदार करके जो है वो इन चीज़ों को कम करना है, एकदम से मिक्सीड को आपने चेंज नहीं करना। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ। देखें, आपको पता है कि जावा स्पैरो जो है वो नहाना उसका ज़रूरी है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, मगर गर्मियों के अंदर ये एक से ज़्यादा दफ़ा नहाना शुरू कर देते हैं, यानी कि दो दो तीन तीन दफ़ा नहाते हैं, जिसके नतीजे में जो है वो इनके बर्तनों के अंदर से पानी जो है वो सारा उड़ा देते हैं, ख़त्म हो जाता है। तो आपने ये मेक श्योर करना है दोपहर के टाइम पर ख़ास तौर पर कि अगर इनके बर्तन में पानी कम है तो उसको वापसी फ़िलअप कर दीजिए। अगर आप अवेलेबल हों तो आप कर सकते हैं, वरना आपने घर में किसी को बोल के ये काम लाजमी करवाएं। जिस तरह मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियो में बताया है, जिस तरह फिंच होती है, जैसे ज़ेब्रा फिंच है, अक्सर वो भी यही करती हैं कि जो आप पानी का बर्तन रखते हैं वो सारा नहा के जो है वो सारा पानी उड़ा देती हैं, और उसके बाद प्यासी रह जाती हैं, और प्यासी रह जाने की वजह से वो बाद टाइम मर भी जाती हैं। तो जावा स्पैरो वैसे तो थोड़ा सा मज़बूत परिंदा है फिंच के लिहाज से, मगर फिर भी आपने इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है। अच्छा जी, इसके अलावा बात करते हैं जावा के सॉफ्ट फूड की। तो सॉफ्ट फूड के अंदर जो है वो आप मल्टीपल चीज़ें दे सकते हैं, ज़्यादा बेहतर ये है कि आप वेजिटेबल्स के ऊपर ज़्यादा जोर रखें तो बेहतर ये है, जिसमें आप खीरा, गाजर, गाजर जो है वो बारीक कद्दूकश करके दे सकते हैं, आप खीरे तो आप स्लाइस करके दे सकते हैं, लौकी भी आप कद्दूकश करके दे सकते हैं। एग फूड का इस्तेमाल जो है वो आपने यहाँ पर भी कम कर देना है, हफ्ते में आप एक से दो दफ़ा दे सकते हैं, वो भी उन पेयर को आप दें जिनके बच्चे जो है वो बिल्कुल छोटे हों, उनको आप थोड़ा सा जो है वो एग फूड चला सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो अभी एग फूड आप वीकली इनको रख दीजिए तो बेहतर है, अभी भी आप देंगे तो नुकसान नहीं है। आज भी जो है वो उसके बाद मैंने इनको एग फूड ही दिया है, मगर टाइम ना होने की वजह से मैं उसकी वीडियो नहीं बना सका, मगर यह है कि आप एग फूड भी दे सकते हैं।
जावा स्पैरो के ऊपर भी मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये इनका लास्ट कलर चल रहा है और किस तरह आपने जो है वो पेयर को फ्लाई में डालना है, किस तरह रेस्ट कराना है, सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर बताई थी। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी बर्ड्स के हवाले से तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एज सून एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पर मैं एक और चीज़ को मेंशन कर दूं, प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब कर लिया है और बेल बटन भी लाजमी दबा देना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर।